एनिम्स और जीबी पंत अस्पताल में दी जाने वाली सेवाएं, उनके सुधार के लिए लिए गए कदम और मरीजों के देखभाल पर उसका असर, इस मुद्दे पर एनिम्स निदेशालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटोनी, डॉक्टर अर्पिता साहा, एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, डॉक्टर एम के साहा तथा डॉक्टर अजय वर्मा मौजूद रहे। आज हम सभी यहां पे एनिम्स और जीबी पंत में दी जाने वाली सेवाएं, उनके सुधार में लिए हुए कदम और मरीजों पे देखभाल पर उसका असर, इस विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर सुजा एंटनी, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, एमएस इंचार्ज डॉक्टर एम के साहा, डॉक्टर अजय वर्मा जो कि डॉक्टर साहा की एब्सेंस में हॉस्पिटल का पूरा कारोबार संभालते हैं, लिंक ऑफिसर है, डॉक्टर सुनील जो सीएमओ स्टोर है, और डॉक्टर अर्पिता साहा जो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। मोटे तौर पर यदि देखें तो हम इस बारे में बात करेंगे कि आज की तारीख में जीबी पंत में क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज आने से या होने से क्या बदलाव किए गए हैं, और उनका पूर्णतः आइलैंड के स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या असर पड़ा है। इस डेटा को कुछ अस्पताल से लिया गया है और कुछ नेशनल लेवल डेटा लिया गया है, क्योंकि सिर्फ अस्पताल का डेटा काफ़ी नहीं है और कई बार हमें नेशनल लेवल डेटा भी लेना पड़ता है उसको ट्रायंगुलेट करने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि डेटा कितना सही आ रहा है जो अस्पताल से निकल के आ रहा है। इसके अलावा हम आपको वो जानकारी देंगे जिससे आप लोगों को पहुंचा सके कि एनिम्स और जीबी पंत में ऐसे क्या बदलाव किए जा रहे हैं या सोचे जा रहे हैं, जिस जैसे कि चाहे वो बिल्डिंग्स हो, इक्विपमेंट्स हो, दवा हो, मशीनरी हो, मैन पावर हो, जिससे कि और जो भी चैलेंजेस हम आज की तारीख में फेस कर रहे हैं उन सबको हम कैसे फेस करने के लिए सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अर्पिता साहा से कहूँगी कि वो हमें हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, व्हील चेयर्स हैं, मेडिसिन हैं, जनरल फंक्शनिंग आवर्स क्या है, कौन कौन ड्यूटी पे रहते हैं, किस तरह से हॉस्पिटल का पूरा संचालन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सो लेट मी टेल यू दैट वी हैव अराउंड 70 व्हील चेयर्स विच आर इन रोटेशन एट जीबी पंत एंड इट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम 102। बिकॉज ऑफ दीज कंप्लेन्स वी हैव मॉडरेटेड अ वे, वी आर कीपिंग अ रजिस्टर एट 102 from where patients can avail. 102 is the call center of GB Pant, which all of you know. We maintain a register there. Patients can come, ask for the wheelchair, उनका नाम, उनका phone number, और वो कौन से ward में जा रहे हैं, ये लिखा जा रहा है, so that we can track कि एक घंटा हो गया, ये wheelchair वापस क्यों नहीं आया. So as of now, as on date, मेरे वो wheelchair bay पे 5 to 8 to 10 wheelchairs हमेशा रहते हैं, and it is monitored by me itself. तो issue नहीं है. I have a total of 145 CCTV cameras installed in GB Pant for security reasons all over the place with a good memory backup. Recently, we have started with a biometric attendance implementation, जो ना ही खाली एनिम्स की फैकल्टी को के अटेंडेंस को मॉनिटर करती है, बट मेरे सारे स्टाफ्स जो इस इंस्टीट्यूशन के अंडर में वर्किंग हैं, स्टाफ, डॉक्टर्स, पूरे उनकी अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी को मॉनिटर किया जाता है, और ये एनएमसी से मॉनिटर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम हमारे लेवल पे भी. वी एट जी बी पंत एट प्रेजेंट हैव 92 स्पेशलिस्ट, इन विच वी हैव 89 स्पेशलिस्ट एंड 3 सुपर स्पेशलिस्ट. वी हैव स्टार्टेड अ स्कैन शेयर कोड सोल्यूशन ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच हैज़ बिन अडॉप्टेड एन ओपीडी काउंटर ऑफ जी बी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर. नाउ दिस इज टू फैसिलिटेट क्विक रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट्स. उस स्कैन शेयर करके आप अपनी ओपीडी स्लिप जनरेट कर सकते हैं. So this is to decrease the long queues we see, and they can go to the doctors itself and don't have to stand in the OPD line. अब number of complaints also आ रहे हैं कि कभी दवाई नहीं मिल रही है, किसी डॉक्टर ने मिसबिहेव किया, किसी आया मासी ने मिसबिहेव किया. To deal with this, we have developed a QR code system, जिसको हमने various wards, OPD, IPD सब जगह स्कैन किया, मतलब लगाया है एट वेरियस प्लेसेस, एंड दिस इंश्योर्स कि आप अपने कंप्लेंट्स को इसमें रजिस्टर करें और इसकी रिड्रेसल की जाती है. हमारी मीटिंग्स होती हैं एंड वी आर वेलकम टू दी मतलब वी आर वेलकम टू योर कंप्लेंट्स एंड योर सजेशंस ऑन दिस QR कोड सिस्टम, एंड इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय अ क्वालिटी एश्योरेंस टीम विच इज़ फंक्शनिंग एट जीबी पंत. रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ऑन टोकन सिस्टम फ्रॉम द OPD, सो दैट वी कैन चैनलाइज एंड इंश्योर दैट कोई पेशेंट या सीरियस पेशेंट मिस नहीं होता है फॉर स्पेशलिस्ट रेफरल.
जैसे कि हम सब जानते हैं अभी बुखार का सीज़न है, लेप्टोस्पायरोसिस के काफ़ी केसेस आ रहे हैं और मिस भी हो रहे थे. सो दिस इज़ अ वेरी न्यू इनिशिएटिव. जो ओपीडी पेशेंट आते हैं, वार्ड पेशेंट्स आते हैं, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और क्योंकि इट्स अ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, इसकी रिपोर्ट आते आते 9-10 हो जाती है. तो एट नाइट 9 or 10 whosoever, मतलब वी गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम द लैब, इट इज़ कन्वेड टू द कैजुअल्टी डॉक्टर्स एट नाइट इटसेल्फ इन द इवनिंग, लेट इवनिंग आवर्स. फ्रॉम देयर वी कन्वे टू 102 कॉल सेंटर. उसमें पेशेंट के फ़ोन नंबर्स रहते हैं तो हम पेशेंट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट करते हैं और रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं वहाँ, सो दैट वी कैन गेट अ स्टैटिस्टिक्स कि कितने पेशेंट को हमने कॉन्टैक्ट किया, कितने बजे किया, पेशेंट को एम्बुलेंस कब भेजा और वो पेशेंट कब आया. और उन्हें एडवाइस देते हैं कि वो मोटा मोटी आके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे अपने को चेकअप कराए, एडमिट हो या ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. इससे दो फायदे होते हैं कि क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, वी कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ डेथ्स बिकॉज लेप्टोस्पायरोसिस डज नॉट गिव यू मच टाइम. नाउ दिस एफर्ट वॉज हैज स्टार्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद एन एक्स्ट्रा एफर्ट बीइंग टेकन बाय द डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन द लैब फॉर टेस्टिंग. As about ambulance, yes, we have a very robust ambulance services functioning in coordination with the DHS, Director of Health Services, which is being monitored also from 102 call center, that you are all aware. Then there are a lot of complaints about elderly people, geriatrics, right? So to deal with this, we have a doctor, room number 4 is totally dedicated to the geriatric and elderly. Pharmacy mein we have a separate counter. We are giving, all doctors have been informed, we are giving preference to the elderly. Alag se line dete hain, unko alag se token dete hain. Specialist OPD mein dete hain, blood collection mein bhi dete hain. So that humare jo senior respectable citizens hain, they don't have to stand in long queues. Then we come to medicine. Medicine, as we are all aware, that pharmacy counter se routinely dawaiyan dispense ki jaati hai at various age groups and genders. To deal with the frequent complaints about expired drugs, right? So what we are now doing, this is also a new initiative been taken. We are noting the UDID from the prescription, patient ka naam, phone number aur uski UDID registration. Phir jo dawaiyan hum unko issue kar rahe hain, uska batch number, uska expiry date. We are keeping a register of that. So tomorrow if there is any complaint, that can be tracked out ki patient ne sahi bola hai, ya hamari taraf se hi galtiyan hain. And preferably, such mistakes are not done further. As on date, हमारे पास जो medicines हैं in the pharmacy, we have almost all the medicines which are being prescribed by our specialists as per the essential drug list which has been formulated for Andaman. एक all over India की essential drug list होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक अंडमान या निकोबार islands ने भी एक essential drug list formulate की है which is circulated all over the islands. तो हम लोग वही drugs prescribe करते हैं और जेम से क्योंकि खरीदारी होती है और ट्रेड नेम से नहीं होती, तो वी हैव टू फॉलो दिस. हमारी जो रेप्लेनिशमेंट होती है एट आर स्टोर इज एवरी 1 month, बट हम हर 15 दिन में ऑडिट करते हैं कि हम बीच में वी कैन पुट इंडेंट सो दैट हमारी ये जो रिप्लेनिशिंग स्टॉक्स हैं, जो ख़त्म हो रही है स्टॉक्स, वो स्टॉक आउट ना हो और ऐसा ना हो कि पेशेंट को ना मिले. वी टेक फुल केयर ऑफ दिस. हमारे पास 3 बड़े आरओज हैं इंस्टॉल्ड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ द हॉस्पिटल. उसके अलावा छोटे वाटर प्यूरिफायर्स आर प्लेस्ड ऑल ओवर द हॉस्पिटल. रिसेंटली एक मैमोग्राफी मशीन भी प्लेस की गई है विच इज़ फंक्शनिंग. अगर रेफरल्स की बात करें तो लास्ट 2 साल में हमारी 40% रेफरल्स टू मेनलैंड हैज़ कम डाउन. एक ई फार्मेसी भी चालू की गई है टू मॉनिटर, जिससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन मॉनिटर कि हमारा कितना स्टॉक अभी है, हमें कब और इंडेंट करनी है. वी कैन फ्लैग टू द सीएमओ स्टोर और वो मेनलाइन से जंपे डाल के वो दवाइयाँ मंगा सके डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर स्टॉक्स इज. एंड दिस होल सिस्टम इज लाइक सीएमओ, वी हैव अ हॉस्पिटल मेंटेनेंस स्टोर एंड देन इट इज द फार्मेसी. सो दिस चेन इज टोटली फॉलोड. अनिम्स के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि लोगों को दिए जाने वाले सेवाओं के क्षेत्र में अनिम्स अपनी ओर से बेहतर प्रयास कर रहा है. मैं ये नहीं कहती कि हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास कमी है, पर जितना भी जो भी अवेलेबिलिटी है उसमें हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा जो इन्होंने बोला अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक व्हील चेयर मशीन्स, तो हम नई नई मशीन्स इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमारी आईलैंड्स की ज़रूरत है. आईलैंड की ज़रूरत के हिसाब से EDL भी तैयार की गई है, जिसकी वजह से अब हम CMO स्टोर को भी साथ में लेके काम कर रहे हैं और सारे आईलैंड की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब पे उसी EDL के मुताबिक ही दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं.
तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया, हमने सिस्टम को पेशेंट फ्रेंडली बनाया है, हमने पेशेंट फीडबैक सिस्टम स्कैन एंड शेयर से कोशिश की है, क्यों छोटा किया है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को टोकन्स दे के पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं और लैब रिपोर्ट्स को टाइमली दे रहे हैं ताकि पेशेंट को लैब रिपोर्ट की वेट ना करनी पड़े। देर आर चैलेंजेस विद रेडियोलॉजी बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग हार्ड टू एड्रेस द चैलेंजेस और हम उनको भी बहुत जल्दी ही एड्रेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी एम्बुलेंस हमारे पास ठीक है, दवाइयों में हमने खास सख्ती बरती है, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ई फार्मेसी हमने लगाई है, कोई एक्सपायर्ड ड्रग गलती से भी किसी के पास ना चली जाए, इसके लिए हम पेशेंट का UID रख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं पेशेंट को और इंश्योर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जो आपको इन्होंने बताया कि इस सारे इंटरवेंशन का, इस सारे एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि आज की तारीख में 40% रेफरल हम सिर्फ 1 से 1.5 साल के पीरियड में कम कर पाए हैं। मैं समय इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कोई भी डेटा की जब हम बात करते हैं किसी भी लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो पीरियड कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम पीरियड को कंपेयर करें तो पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में हमने इतना काम इस हॉस्पिटल में इतना बेसिक डेवलप कर दिया कि 40% रेफरल जो हम मेन लैंड कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो हमने रोक दिया है। बाकी रेफरल अभी भी हो रहा है, वो फैसिलिटीज़ जो हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए हम आज भी रेफर कर रहे हैं। कि ये 1964 का बनाया हुआ अस्पताल है, बिल्डिंग भी पुरानी है, कुछ इक्विपमेंट भी पुराने हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्शन को लेके और रिनोवेशन और रिफर्बिशमेंट अपग्रेडेशन को लेके काफ़ी इलैबोरेट प्लान्स हैं। और डॉक्टर अजय वर्मा क्योंकि प्लानिंग देखते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बताएं। मेडिकल ICU ऑफ द जीबी पंत हॉस्पिटल हैज बीन रिफर्बिश्ड एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम द HDFC बैंक थ्रू ए CSR इनिशिएटिव एंड नेक्स्ट वीक वी आर इनॉग्रेटिंग इट। Next thing, facelifting of the GB Pant Hospital. It is in the process and repair and renovation work of the old Ayush building in which medical college is running. It is also in process. Then neonatal ICU. It has also been renovation is in process. It will start next week. As soon as the medical ICU is inaugurated, it will start the renovation of the neonatal ICU will start. Apart from the new medical campus, the administrative building of the medical college and the library block for the students. It is almost complete and next month they will hand over the building to us. So all the library block and administrative block will shift there. Then construction of the basic science block, which is the main part of the medical college, it has already been sanctioned and the tender is in the process. And construction of the third boy, we have already 2 boys hostel and 2 girls hostel in the medical campus. And third boys hostel is also almost complete and within 1 or 2 months it will also be handed over. We have also sent a proposal to the administration for hiring a consultancy firm for the renovation and upgradation of the GB Pant hospital, because we have PG is coming and DNV courses are coming, so we have to upgrade it to the super specialty center. So for this we need a consultancy firm who has experience in the hospital maintenance, so they can come and assess and how to expand it, this hospital, so they will work. So we also send a proposal of admission for this. इस बीच डॉक्टर एम के सहा ने डायलिसिस के मरीजों को मुख्य भूमि के समान शल्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के बारे में बताया। एबी फिस्टुला आप सुने होंगे, ये एक किस्म की सर्जरी है, छोटी ऑपरेशन है हालांकि, जबकि यहाँ हाथ में होती है, जिसके जरिए पेशेंट को डायलिसिस पेशेंट को बहुत सुविधाएं होती है। तो वो सर्जरी के लिए हमें पहले यहाँ से मेलन रेफर किया जाता था, और एक आध बार ऐसे भी हुए हम मेलन से ए बी सर्जन को बुलाए और यहाँ पे करवाए। लेकिन आज के तारीख में वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि वी हैव गॉट वन असिस्टेंट सर्जन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, जो कि कॉम्पिटेंट है और जो आज के तारीख में कई सारे सेवरल डजन्स ऑफ ए बी फिस्टुला वो खुद करिए। तो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट सर्जन। ओके, सो वी सेल्डम इफ एवर सेंड पेशेंट्स फॉर ए बी फिस्टुला क्रिएशन इन द मेनलैंड अनलेस इट्स ए हाईली कॉम्प्लिकेटेड, अगर ना हो तो हम यहीं पे करते हैं। और सेम सर्जन इज कॉम्पिटेंट इन डूइंग प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो। सो वी अर्लियर प्लास्टिक सर्जन हमारे पास नहीं होते थे, लिहाजा हमें हर एक पेशेंट को मेनलैंड भेजना पड़ता था, लेकिन आज के तारीख में उसकी ज़रूरत जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। दिस इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट, आई थिंक वी शुड गेट क्रेडिट फॉर दैट। उसके बाद जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है, इन्होंने ऑलरेडी जिक्र किए हैं, तो 2 एम्बुलेंस जिसमें कि BLS यानी बेसिक लाइफ सेविंग सिस्टम है और एक एडवांस केयर लाइफ सेविंग सिस्टम है, वो वी आर गोइंग टू प्रोक्योर दोज। दैट विल बी एन एडेड
डिस्टिंक्ट, उसमें क्या है, उसमें वेंटिलेटर और तमाम चीज़ें हैं ताकि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो और पेशेंट की जान मतलब बहुत ही खतरे में है, ऐसे में अगर ज़रूरत पड़े तो वहीं पे एट दी अकुस्थन ऑनली वहाँ पे उनको किया जा सकता है वेंटिलेटर पे, सो दैट द पेशेंट कैन बी ट्रांसपोर्टेड सेफ एंड साउंड अनटिल द पेशेंट रीचेस टू द कैजुअलिटी। तो ये इसके लिए दो BLS और एक ACLS एम्बुलेंस प्रोक्योर की प्रोसेस में है, इट इज़ वी आर गोइंग टू प्रोक्योर वेरी शॉर्टली। अलावा उसके एक और अचीवमेंट जो हाल ही में हुए हैं उससे शायद आप वाकिफ होंगे कि कैटरेक्ट केसेस यानी आई के जो केसेस होते हैं, कैटरेक्ट केसेस कई सालों से हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटेंट आई सर्जन नहीं थे, जूनियर लेवल के सर्जन थे, बट आई आप जानते हैं इतने सेंसिटिव है, जो लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, सो वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक द रिस्क। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के असिस्टेंट से 3 टीमें बुलाई है 15-15 डेज के, और एज मेनी एज 405 कैटरेक्ट केसेस हैव बीन डन इन ए स्पैन ऑफ 45 डेज, 6 वीक्स में 400+5 कैटरेक्ट केसेस कुड बी डन हियर, एल्स वी हैड टू सेंड, नहीं तो हमें बाहर भेजना पड़ता था। तो इससे आप अंदाजा लग सकते हैं कितने पैसे उनको बच जाते हैं, कितनी परेशानी से उनको छुटकारा मिली है। खाली वो नहीं बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई डिपार्टमेंट के, तो 47 कैटरेक्ट सर्जरी जो कैटरेक्ट पेशेंट निकोबर ग्रुप ऑफ आइलैंड में थे, द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वी कुड मैनेज टू गेट दोज पेशेंट्स बाय इंस्टॉलमेंट्स सिप के जरिए यहाँ पे रखे, असेसमेंट किए, ऑपरेट किए और फिर सिप से स्पेशली सिप से उनको वापस भेजे गए। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है। उसमें से एक बच्ची थी जो कि 14 ईयर्स के, हु वाज ब्लाइंड सिंस बर्थ इन वन आई, और उनके ऑपरेशन यहाँ पे करे एंड सी हैज गन बैक विथ हर साइट रिटर्न्ड, सो ए ग्रेट अचीवमेंट दैट वी हैव वी कैन टेक क्रेडिट फॉर। अलावा उसके जैसे ऑलरेडी जिक्र किया है अर्पिता, डॉक्टर अर्पिता ने, कि कायाकल्प स्कीम होते हैं जो सैनिटेशंस, गार्बेज डिस्पोजल, बायोमेडिकल डिस्पोजल, क्लीनलीनेस, इस सब को देखते हैं। ये कायाकल्प जो है सेंट्रल स्कीम है, उसके तहत हमारे हॉस्पिटल को हैज स्कोर्ड मोर देन 85%, मतलब दिस इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर विच मिनिस्ट्री हैज एग्रीड टू अवार्ड अस फॉर द ईयर 2023। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमी नहीं है, लेकिन वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव इट एज मच एज पॉसिबल टू द स्टैंडर्ड दैट ऑल अदर ग्रेट हॉस्पिटल्स हैव ऑलरेडी अचीव बाय नाउ। नाउ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स जो हमने लिए हैं, प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट कमिटी, एक ऑडिट कमिटी बनाई गई है हुज जॉब इज बेसिकली टू सी दैट जो प्रेस्क्रिप्शन OPD में या इन पेशेंट में देते हैं हम लोग लिख के कि फलाना वो दवाई लेना है या नहीं लेना है, उसे ऑडिट बीच बीच में किया जाता है। तो हैव ऑलरेडी सेंसिटाइज द ऑल द स्टाफ्स एंड अदर सबॉर्डिनेट्स टू कीप एन आई ऑन इट। इफ दे फाइंड दैट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डॉक्टर्स और हुसैबर आर नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल रूल, तो दैट इज ब्रॉट टू आवर नोटिस एंड देन वी टेक करेक्टिव मेजर्स टू सी दैट द हिस्ट्री डजेंट रिपीट। तो दिस इज व्हाट स्पेशल रोल दैट ऑडिट इंस्पेक्शन प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट कमिटी सर्व्स। उसके अलावा जो इन्होंने ऑलरेडी बताया है पेशेंट फीडबैक सिस्टम, जिसके जरिए एनी पेशेंट, पेशेंट अटेंडेंट, रिलेटिव, दोज हु आर अनहैप्पी विद द सर्विसेज रेंडर्ड, दे आर एट लिबर्टी टू रेज द इशू एंड ब्रिंग इट टू अस एंड पीरियोडिकली वी कन्वे मीटिंग इन द एनिम्स एंड देन वी सी द वे एंड विद ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, यू नो वी कॉल इंक्लूडिंग द मेट्रॉन, ए मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द OPD, सो दैट वेर एवर देर आर कंप्लेन्ट्स देन वी सी दैट द कंप्लेन्ट्स आर ड्यूली एड्रेस एंड देन सम केसेज वी गिव ए फीडबैक टू द पेशेंट ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट देम नॉट टू बी एनोनिमस, दे मस्ट राइट देयर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट वी कैन इन्फॉर्म देम मच टू देयर सेटिस्फैक्शन एज टू व्हाट स्टेप्स वी हैव टेकन टू एड्रेस देयर इशूज। जो कैजुअलिटी सर्जिकल ICU और मेडिकल ICU में पेशेंट भर्ती होते हैं, कई बार द कंडीशंस आर सो ग्रेव दैट दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू बी ट्रांसफर्ड टू मेनलैंड। अगर उन्हें ट्रांसफर भी करना हो तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि एरोप्लेन को मना कर देते हैं, पेशेंट इतनी सीरियस है, वेंटिलेटर के साथ वो जा नहीं सकते हैं। इनके लिए वी आर ऑलरेडी इन टच
with AIIMS Bhopal. They have intensivized jo expert in dealing with emergencies. So we are going to establish a communications with them and we will send the data, real-time data to them regarding any serious patients and seek their opinion as to how to go about it in order to improve this thing. But this was not there earlier. This is a new initiative that is already in the pipeline, and very soon I think we will be able to establish that. That will be a great achievement depending on the number of ICU beds we have, surgical ICU, medical ICU and casualty where critically ill patients are admitted. So that we can reduce the number of deaths to the minimum. कई बार लोगों में ये धारणा है कि हमारे यहाँ पे मदर प्रेग्नेंट मदर अगर आते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, लिहाजा वो प्राइवेट में चले जाते हैं। इस तरह की एक मिसकंसेप्शन है। मैं आपको एक ईयर वाइज डेटा देता हूँ जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2014 में कुल 3 डेथ हुए थे अंडमान निकोबार में, यानी 53%, जबकि कंट्री में इट वाज 2014 में नो लेस देन 200। ये था 53% इन 2014 में। 2015 में ये 96%, 2016 में 41%, 2017 में 106, 2018 में 85, 2019 में 155, 2020 में 151, 2021 में जस्ट 52, 2022 में 101 एंड 2023 में 122। ये जो ऑल द डेटा लेस देन नेशनल स्टैटिस्टिक्स। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंटोनी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वीप समूह के सभी अस्पतालों व उपकेंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है। हमारे एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, 22 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, 126 सब सेंटर्स है ऑल ओवर, 5 अर्बन हेल्थ सेंटर्स है और एक आयुष हॉस्पिटल है। तो इतना बड़ा एक एस्टैब्लिशमेंट है हमारा, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इन सभी सब सेंटर से लेके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हमारी सर्विसेज बेहतर करें। आप सब जानते हैं कि कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होता है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारी कुछ सर्विसेज हम दे रहे हैं, कुछ कमियां ज़रूर है, चाहे वो बिल्डिंग के रेनोवेशन एंड रिपेयर्स हो, चाहे नई बिल्डिंग्स बनानी है, नई सब सेंटर्स खोलनी है, नई PHCs खोलनी है, तो ये सब हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा HR लेके भी आपको पता है कि हमारी बहुत दिक्कतें होती थी डॉक्टर्स को रिटेन करना, और बीच में रिक्रूट्समेंट नहीं होते थे करके हमारे स्टाफ नर्स और बाकी अन्य जो स्टाफ है उनकी भी शॉर्टेज हुआ करती थी, बट अभी रिक्रूटमेंट के वजह से हम काफ़ी हद तक इन पोस्ट को फिल कर पाए हैं। हाँ, बट ये है कि प्रमोशंस होते रहते हैं और रिटायरमेंट्स होते रहते हैं, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि अब हमारे पास फिर वैकेंसी आई है तो उन वैकेंसीज को फिर हम टेस्ट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके उसको फिल करेंगे, और हम एक्शन प्लान बनाते हैं जिससे कि हम पूरे निगलीपुर से लेके कैंबल बे के हर हेल्थ फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करते हैं और गैप देखते हैं कि कहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करना है, कि कौन सी बिल्डिंग को पहले हम रिपेयर्स और रेनोवेशन के लिए लेना है। तो ये हम पूरी तरह से साल भर के लिए प्लान करते हैं, और ये प्लानिंग हम अपने लेवल में सिर्फ नहीं करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी होता है तीनों डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ बैठ के डिस्कस करके ही ये प्लान्स करते हैं, क्योंकि फंड का क्रंच तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि हम जितने बिल्डिंग करना चाहते हैं उतना हम एक साल में कर पाएंगे, तो हमारे जितने फंड्स हैं उसके हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हम किसको जो बहुत ही ख़राब है उसको प्रायोरिटी दें और उसको ठीक करें।
तो ये हमारा प्रयास है। दवाई का तो बता दिया है, जो दवाई जीबीपंत में मिलता है हमारा प्रयास है कि वो हर पीएचसी तक भी हम पहुंचा सके। और जीबीपंत को डीकंजेस्ट करने के लिए हमने ये भी निर्णय किया है कि जो भी दवा यहाँ मिलती है वो चाहे वो हाइपरटेंशन का हो, चाहे डायबिटीज़ का हो, चाहे उस सीकेडी के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, तो इन सब का दवाई के लिए उनको जीबीपंत आना पड़ता था। तो ये हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर पीएचसी अगर वहाँ पे उनके रेगुलर पेशेंट है जो ये दवाइयाँ खाते हैं तो ज़रूर इंडन डाल के वो दवा मंगाएं, ताकि स्टोर से उनको भी इश्यू किया जाएगा, ताकि पेशेंट को इतना दूर नहीं आना पड़े। क्योंकि बहुत बार साइकेट्री की दवा स्पेशली आउटस्टेशन में उनको लगता है कि जब तक साइकेट्रिस्ट नहीं देखेगा तो उनको साइकेट्री की दवाई नहीं मिलेगी। तो हमने ये भी किया है कि साइकेट्रिस्ट खुद पेशेंट को असेस करके उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि अब 3 महीना इसी दवाई को कंटिन्यू करो, या जितने भी दिन साइकेट्रिस्ट एडवाइस करते हैं तो उसके बाद ही रिव्यू के लिए आना है। तो हम ये डायरेक्शन देते हैं कि ये दवाइयाँ जहाँ पे है, जो भी पीएचसी में वो रेगुलरली दवा लेते हैं वहाँ पे उसको इश्यू किया जाए, ताकि उनको ये दवाई या वहीं पे अपने पीएचसी में मिल जाए, उनके लिए उनको जीबीपंत ना आना पड़े। तो ये छोटी छोटी कदमें हैं हम जो लेते हैं। इक्विपमेंट्स का भी उसी तरह हर पीएचसी में हम कोशिश करते हैं कि बेसिक इक्विपमेंट्स हम दे सकें, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री होता है, बाकी सेल काउंटर्स होते हैं वो देते हैं। इसके अलावा जो सीएचसीज में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करने का भी देते हैं। मोस्ट जगह अभी हम अल्ट्रासाउंड कवर किया है, जैसे नॉर्थ मिडल में हमारे डिगलीपुर, मायाबंदर और रंगा तीनों जगह है, और मायाबंदर से डॉक्टर जो है वो महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड का कवरेज देते हैं बाकी दोनों जगह में। सेम गोज फॉर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार में है तो निकोबार में जो डॉक्टर ट्रेंड डॉक्टर है वो निकोबार से ननकौरी जाते हैं महीने में एक बार। कैंबलवे का अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब था, जब हमने अभी नया प्रोक्योर किया है, वो इंस्टॉलेशन स्टेज पे है, जब वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे तो अब यही डॉक्टर महीने में एक बार कैंबलवे भी कवरेज देंगे। और साउथ अंडमान तो ऑलरेडी कवर्ड है, हम हड्बे और स्वराजदीप में भी हमारी कोशिश है, क्योंकि दोनों जगह में हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स है, तो हम यहाँ से डॉक्टर्स को डिप्यूट करते हैं महीने में एक बार कि वहाँ भी अल्ट्रासाउंड का कवरेज दें। और डायलिसिस हम जानते हैं कि हमारी ये कोशिश थी कि स्टेप वाइज फेस वाइज हम सब जगह डायलिसिस पहुंचा पाए, तो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से शुरू किया, फिर हमने सीएचसीज में डाल दिया है, तो अब हम पीएचसी लेवल में आए। तो क्योंकि स्वराजदीप बहुत ही टूरिस्ट फुटफॉल्स ज़्यादा है और वहाँ का डिमांड भी था, तो हमने फर्स्ट पीएचसी है जो स्वराजदीप, जहाँ पे हमने डायलिसिस फैसिलिटी शुरू किया है। और आपको सुनकर ये भी खुशी होगी, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो ऑलरेडी डायलिसिस पे है, तो वो पहले से खबर लेके आते हैं कि हम हैवलॉक जाने से, फोर्ट ब्लेयर में तो है ही ये फैसिलिटी, अगर हम हैवलॉक जाते हैं और हमारा ड्यू रहता है तो हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे टूरिस्ट भी है जो स्वराजदीप में डायलिसिस फैसिलिटी को अवेल किया है। हमारा नेक्स्ट है कि आरकेपुर में हम एक डायलिसिस फैसिलिटी लगा रहे हैं, मशीन्स आ गए हैं, अब इंस्टॉलेशन स्टेज में है, शीघ्र ही हम उनका भी उद्घाटन करेंगे और सर्विसेज शुरू करेंगे। तो ये छोटी छोटी प्रयास हम करते हैं कि ताकि सब जगह हमारे सर्विसेज को हम बेहतर बना सके। हम नहीं कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, एक बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट चैलेंजेस के अंदर रहते हुए भी हमारा यह प्रयास है कि हम हमारे आइलैंड्स को, क्योंकि मैं इस आइलैंड में ही की ही हूँ, मैं यहीं पे बिलोंग करती हूँ, मैं जन्म यहीं पे ली हूँ, पढ़ी लिखी यहीं पे हूँ, तो यहाँ पे इतने साल से मैं सर्विस दे रही हूँ, तो मेरा यही प्रयास है कि अगर हम इस पोस्ट में रह के मैं अगर हमारे हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बना सके तो उससे ज़्यादा खुशी या सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि हमने जो क्रॉनिक डिसीजेस की जो बात की है जिसकी वजह से डेथ हमारी ज़्यादा है, तो आपके मीडिया के थ्रू हम इसके अवेयरनेस क्रिएट करें कि अल्कोहल का प्रॉब्लम जो है, टबैको का जो प्रॉब्लम है और बाकी लाइफस्टाइल डिसीजेस का जो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ये अवेयरनेस आपके ज़रिए आप कर सके, ताकि हम अपने आइलैंड्स को इन सब से हम थोड़ा मुक्त कर सकें।